विनोद कुमार जैन, इनका सवाल है कि जो जैन साधु होते हैं वो अपने लिंग को किस ढंग से अपने वश में रखते हैं। देखिए, आप ये मानकर मत चलिए कि 100% ये बात सही है। आज तक कई साधुओं पर ऐसे आरोप हुए हैं, उन्होंने अपने शिष्य का, स्त्री शिष्य व्यक्ति का भोग लिया है, ऐसे आरोप हो चुके हैं जो आपको इंटरनेट में भी पढ़ने को मिलेंगे, नाम के साथ पढ़ने को मिलेंगे। मैं विस्तार से लेने ही वाला हूं ये सब सीरीज में, केवल हिंदू धर्म में ये बात नहीं चलती, सभी धर्मों में कैसी बात चलती है बताने के लिए वो तो लेने ही वाला हूं। लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ये 100% सच बात मत मानिए। कुछ लोग अपने जीवन में प्रामाणिक हो सकते हैं, कुछ अपवाद होने चाहिए, होने चाहिए, ये मेरी बहुत अच्छी भावना है। लेकिन ब्रह्मचर्य पर कंट्रोल करना पूरे जिंदगी भर, ये बहुत ही डिफिकल्ट बात है, बहुत डिफिकल्ट बात है, इतना मैं कहूंगा। और इसलिए इसकी संभावना बहुत कम होती है। गुजरात में मेरा जब दौरा था, 1983 की बात है, तब पहला मेरा अंधविश्वास के खिलाफ का दौरा था, 48 कार्यक्रम थे, और गुजरात में ये जैन साधु बहुत दिखते थे, पूरे भारत में ही दिखते लेकिन गुजरात में इनकी संख्या बहुत ज्यादा दिखती है। तो मुझे ये सवाल बार बार आता था, तो मेरे प्रोग्राम के आयोजक जो होते थे, मोस्टली लायंस, रोटरीज, इन जैसे क्लब्स होते थे, वहां काफी डॉक्टर लोग होते थे, तो मैं जवाब देता था कि भाई ऐसा करो, यहां तो बहुत डॉक्टर लोग हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने नंगे ही हैं, उनसे पूछिए कि इन्होंने अपने जीवन में अपने लिंग का कभी उपयोग किया कि नहीं, वो तो पहचाना जा सकता है, देखने पर भी पहचाना जा सकता है। जो ब्रह्मचारी है उसने अपने लिंग का कभी उपयोग नहीं करना है, चाहे हस्तमैथुन के लिए हो, चाहे होमोसेक्सुअलिटी के लिए हो, चाहे हेट्रोसेक्सुअलिटी के लिए हो, ऐसी अपेक्षा है। तो इन्होंने अपने जीवन में अपने लिंग का उपयोग किया कि नहीं, ये तो कोई भी डॉक्टर देखकर भी बता सकता है जिसको इस विषय का ज्ञान है। तब ये सब डॉक्टर लोग चुप रहते थे, बोलते थे मानव साहब जाने दो ना, फिर वो भलती बातें हो जाएगी उसमें। मैं भी उसको ज्यादा महत्व नहीं देता था, मैं मानता हूं कि किसी पर ब्रह्मचर्य थोपना ये अमानुष काम है, इसलिए उसके बारे में मैं तो बोलूंगा नहीं, जब बड़े पैमाने पर शोषण होता है तभी मैं बोलता हूं। लेकिन कुछ लोग प्रामाणिक हो सकते हैं और कुछ लोग अपने जीवन भर प्रामाणिक रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं भी हो सकती है। मैं विस्तार से उसके ऊपर कभी ना कभी बोलने वाला हूं, तब नाम के साथ में काफी बातें आपके सामने आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।